करना जैसे है आगे बढ़ेगा ना उंगली करने वाले ज्यादा बढ़ेंगे, तो ये चीज की आदत तेरे को पहले से पाल रहे हैं। सबकी उंगली काट दूंगा हरामी में। रईस मागोस फोर्ट हम लोग ऑलरेडी अभी पहुंच चुके हैं। हमारे आज के तीन टारगेट फोर्ट्स थे, पहला है रईस मागोस, दूसरा है सिक्योरियम और तीसरा है अगोड़ा फोर्ट। तो अभी पहले रईस मागोस को हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो पीछे यहाँ का, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे 50 रुपीज़ टिकट है और टिकट का काउंटर जस्ट उसके बाजू में ही है। रिसेप्शन का जो एरिया है वो ये है और अगोड़ा फोर्ट जाने का जो रास्ता है वो ये है, थोड़ा सा ही ऊपर है लेकिन पैदल जा सकते हो आप। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे जगह भी दी गई है और काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, मैंने सुना है, लेकिन अभी जाएंगे तो ही पता चलेगा। बिकॉज दो साल पहले भी जब मैं आया था तो रईस मागोस फोर्ट यहाँ पे विजिट करना मेरा रह गया था। अगोड़ा फोर्ट तो खैर सब नहीं देखा होता है, लेकिन रईस मागोस फोर्ट की टिकट अभी खरीद लेते हैं। रिसेप्शन का एरिया जो है आप पीछे ही देख सकते हो, यहाँ से 50 रुपीज़ की पर पर्सन टिकट है, लेके डायरेक्ट ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर का व्यू लेते हैं। रईस मागोस फोर्ट के जस्ट अभी ऊपर चढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। कैमराज यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर कैमरा यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्जेस है, तो खाली ऊपर तक आके शूट करने के लिए हमने 500 रुपीज़ देना वर्थ नहीं समझा, तो हमने कैमराज वहाँ पे गाड़ी के डिक्के में रख दिए। बिकॉज हमारे पास गोप्रो और हमारे पास मोबाइल भी है, तो बस उसी से शूट करके आपको दिखाएंगे ऊपर का व्यू। लेकिन आप पीछे देख ही सकते हो, ये पूरा फोर्ट है, यहाँ का सीन है, ये यहाँ का चर्च है जो अभी बंद है फिलहाल, और मास्क यहाँ पे कंपलसरी है इसलिए मास्क पहना हुआ है हमने। अभी यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे, थोड़ी लंबी चढ़ाई है, चढ़ चढ़ के हम लोग थक गए हैं ऊपर। बिकॉज आपको ज़्यादा चलने की और वर्कआउट करने की आदत ना हो तो ज़रूर आप थकने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और अभी यहाँ से अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे। इससे पहले इसके ऑपोजिट साइड का एक व्यू दिखा दूँ आपको, पीछे पूरा समंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पर आने के बाद फोर्ट और बीच दोनों का मजा आप ले सकते हो, तो पहले फोर्ट का मजा लेते हैं फिर जाएंगे बीच की ओर। बिकॉज यहाँ पे मास्क अभी कंपलसरी है, तो हम लोग मास्क पहन के यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। और गोप्रो भी यूज़ करने के लिए मना किया तो फिर वो भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एंट्री हुए यहाँ पे सॉलिटरी कॉम्प्लीमेंट्स जेल है, तो ये पहले जेल हुआ करता था। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी जगह है, और अभी फोर्ट की ओर आगे बढ़ते हैं तो आगे के जो डेस्टिनेशन है थोड़े वो कवर करते हैं। दूसरा जेल भी आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे के साइड है, तो ये थोड़ा ज़्यादा डरावना, बिकॉज वहाँ से पीछे का नज़ारा तो दिखता है, वहाँ से कुछ भी नहीं दिखता है। अभी जो इसका मेन जेल है, मैं बस अभी उसके बाहर ही खड़ा हूँ, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि पोर्टुगीज जब 1961 में यहाँ पे आए थे तो बाहर जो मैंने आपको बीच दिखाया वहाँ से फायरिंग करते थे यहाँ के जो मर्चेंट शिप्स हुआ करते थे उस पर, और दूसरा एक बार उन्होंने फायरिंग किया था वहाँ के जो लोकल फिशरमैन होते हैं उन पर। तो यहाँ पे जो इंडियन नेवी होती थी वो आ जाया करती थी उनके प्रोटेक्शन के लिए, और वहाँ से जो सोल्जर्स उनको जो भी क्रिमिनल्स पकड़ा करते थे को यहाँ पे जेल में बंद करके रखा करते थे। तो ये टोटल यहाँ की हिस्ट्री है जो यहाँ पे लिखा गया है, और आगे की जो हिस्ट्री है वो अगर कहीं पे पता चलता रहेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। भले ये एक जेल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ब्यूटीफुल फोर्ट भी है जिसको जेल से फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे तोप वगैरह रखी गई है जो साफ दिखाती है कि यहाँ से कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हुआ करती थी हिस्ट्री में। लेकिन अभी वो क्या होती थी वो एग्जैक्टली जो मैंने आपको स्टोरी बताई उससे आप रिलेट कर सकते हो। और पीछे के जो बीचेस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस साइड जो है ये सारे बीचेस है, तो यहाँ से पोर्टुगीज़ वगैरह यहाँ पे आया करते थे ऐसा वहाँ पे भी लिखा गया है, यही इसकी कुछ स्टोरी है। और पोर्टुगीज़ का बिकॉज गोवा में बहुत बड़ा राज रहा है कभी, तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन इस जेल से ज़रूर है। के सबसे ऊपर के साइड पे आ जाने के बाद नीचे उतरने की जो सीढ़ियाँ हैं वो सबसे अल्टीमेट है। अल्टीमेट कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। एकदम छोटी छोटी खूबसूरत सीढ़ियाँ बनी हुई है जिसमें बढ़िया से डिजाइन भी है ताकि इंसान को ऊपर से नीचे आने में भी भरपूर मजा आए। बस अभी रईस मागोस का जो सफर था वो यहीं पे खत्म हुआ, अभी अगले सफर की ओर आगे बढ़ते हैं, वो है सिक्योरियम फोर्ट। अब रईस मागोस फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े डायरेक्ट अगोड़ा फोर्ट की ओर, जो करीब 18 मिनट और 10 किलोमीटर की दूरी पर था। और वहां जाने के लिए हमें कंडोलिम से तो होके ही गुजरना था, जिसके बीच में सिक्योरियम बीच भी आता है, लेकिन हमने वो प्लान अगोड़ा फोर्ट के बाद का रखा था। तो अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट की ओर, जो है अगोड़ा फोर्ट।
तो जी फाइनली हम लोग अगवाड़ा फोर्ट में भी आ चुके हैं और यहाँ पे पीछे जो बाइक रखी हुई है यहाँ से हम लोग रास्ते से आए हैं और बाइक का पार्किंग यहाँ पे, बाइक और कार पार्किंग का यहाँ पे चार्जेस है बिकॉज हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह लगता है एज पर देम। बाइक पार्किंग का 50 रुपीज़ चार्ज है और कार पार्किंग का 100 रुपीज़ चार्ज है पर बाइक पर कार। और अब बाइक हमने पार्क कर दिया, दो गाड़ियाँ थी, हमने 100 रुपये की पर्ची यहाँ पे काट ली है और पीछे अब अगवाड़ा फोर्ट है वहाँ पे उसकी ओर अंदर जाते हैं। बाहर काफी लोग खड़े हैं वहाँ पे लेकिन अभी डायरेक्ट हम लोग अंदर की ओर ही जाते हैं। फैलाव कर रहे हैं वो, उस नई टिकट्स आ गई। हाँ जी, तो फिर हम चारों का भी देख लीजिए ना एक बार अगर होता हो तो। तो जी यहाँ पे बहुत ही बड़ा शॉर्ट एक हो गया है बिकॉज सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं अगवाड़ा फोर्ट विजिट करने के लिए सबके सबको यहाँ पे बाहर खड़ा कर दिया, अंदर जाने नहीं दे रहे। और नहीं जाने देने का रीज़न है कि इन लोगों ने यहाँ पे एक टिकट रखी हुई है और वो टिकट का एक चार्ज रखा हुआ है जो है सिर्फ 20 रुपये, लेकिन वो लोग ये कैश भी नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे एक QR कोड स्कैनर है, वो स्कैनर से ये लोग ले रहे हैं और वो स्कैन हो नहीं रहा है बिकॉज कोई भी यहाँ पे नेटवर्क आ नहीं रहा है। यहाँ पे कोई एयरटेल वोडाफोन कोई भी नहीं आ रहा ना नेटवर्क यहाँ पे, एयरटेल वोडाफोन कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ, तो कोई भी नेटवर्क यहाँ पे आ नहीं रहा है इस वजह से पेमेंट हो नहीं रहा है। एक कपल है जिनका ऑलरेडी हो चुका है और उन लोग के हम हेल्प ले रहे हैं तो हो सकता है हमारा टिकट वहाँ पे हो जाए तो फिर अंदर जा सकते हैं। एंड फाइनली वी आर इनसाइड द अगवाड़ा फोर्ट एंड थैंक्स टू द ब्यूटीफुल कपल जिन्होंने हमारी हेल्प कर दी। उन दोनों नहीं होते तो आज हमारी हेल्प नहीं हो पाती, हम लोग अंदर ही शायद नहीं आ पाते बिकॉज उनका नेटवर्क आ रहा था और उन्होंने अपना पहले 2 जन का टिकट बुक किया और उसके बाद जैसे हमने देखा कि उनका भी हो गया, हमने थोड़ी सी हेल्प मांग ली और उन्होंने हाँ बोल दिया और हम चारों का टिकट भी बुक कर दिया। हम पिछले 1 घंटे से बाहर परेशान हो रहे थे लेकिन वो सारी परेशानियाँ दूर हो गई एज सुन एज वी एंटर द अगवाड़ा फोर्ट। और मेन पंगा यही है कि जो स्टैंड भी है मेरे कैमरे का और वो भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैंने जो अपना गोरिल्ला पोड था वो भी निकाल के बैग के अंदर डाल दिया है। तो अब सिर्फ जो कैमरा है उसे हाथ से ही पकड़ के मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, व्लॉगर है अपने तो कैसे भी व्लॉगिंग कर ही लेंगे, गोरिल्ला पोड तो एक बस सहारा था। तो जी फाइनली अगवाड़ा फोर्ट के एकदम ऊपर के साइड हम लोग आ चुके हैं फिलहाल और यहाँ पे सारी और रेड कलर के जो भी मार्बल्स है वो वगैरह दिख रहे हैं यार, और बहुत सारे पुराने हिस्टोरिकल जगह भी है यहाँ पे। यहाँ से जो सनसेट है वो और भी ब्यूटीफुल लगता है। लेट मी शो यू द सनसेट राइट नाउ, और ये थोड़ी देर में होने ही वाला है। पीछे की ओर आप देख सकते हो सनसेट वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो अब उस साइड जाते हैं। अगवाड़ा फोर्ट में एक ऐसा प्लान भी बनाया हुआ है जहाँ से अगर बारिश का पानी भी यहाँ पे आता है तो वो भी रिजर्व किया जा सके और उसको रीयूज़ किया जा सके कुछ अच्छे चीज़ों में। तो यहाँ पे वो प्लान का जो पूरा डिटेल्स है वो दिया गया है, ये मैंने अभी पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इसके बाजू में जो ये जगह बनाई हुई है ये स्पेशली उसी के लिए बनाई हुई है ताकि जो भी बारिश का पानी आएगा वो सारा स्टोर होगा, स्टोर होकर उसे रीयूज़ होगा, बारिश का पानी वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये फोर्ट में से कुछ बहुत बढ़िया काम भी हो रहे हैं। देख राजेश, तेरा नाम बोलूंगा यहाँ इको होगा, अभी देखना। बता दो राजेश। देख अभी तक गूंज रहा है, गूंजा। आपको सुनाई दिया क्या? मुझे तो दिया यहाँ पे, अभी पता नहीं यहाँ पे माइक्रोफोन में सुनाई दे या ना दे, लेकिन यहाँ से जो भी आप आवाज़ लोगे वो नीचे तक जाके एकदम रिवर्स में आएगी बहुत ज़ोर से और उसका इको बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देगा जैसे आप पहाड़ों में चीख रहे हो और चिल्ला रहे हो किसी का नाम। तो जी अगवाड़ा फोर्ट जो एक्सप्लोर करना था वो तो हो चुका है। अब पीछे के साइड आप देख सकते हो वहाँ से हम लोग अंदर आए थे, वही मेन गेट है। अब वहीं से निकल के वापस बाहर जाते हैं बिकॉज यहाँ से एक रास्ता है वो जो घूमते हुए उस साइड से हमें बाहर निकालेगा और यहाँ से घूमने के बाद जाएंगे सिक्वेरियम फोर्ट या तो बीच, और वो दोनों में से कोई भी एक जगह जाएंगे, या तो टाइम बचेगा तो दोनों जगह जाएंगे बिकॉज सूरज जो है वो अभी डूबने की तैयारी में ही है तो सनसेट होने वाला है। तो सनसेट का व्यू आपको सिक्वेरियम बीच या तो फोर्ट से दिखाते हैं। नहीं करेंगे ना तो मैं ऑटोमेटिकली फेस करके आगे बढ़ ही जाऊंगा। जैसे आगे बढ़ेगा ना उंगली करने वाले ज्यादा बढ़ेगा, तो ये चीज की आदत तेरे को पहले से पाल रहा है। सबकी उंगली काट दूंगा हरामी में। कैसे काटेगा, किससे काटेगा? उंगली तोड़ दूंगा और घुसा दूंगा। पर तेरे पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे तू ये करेगा? वो हथियार दिखा। हाँ, वैसे भी तू हाथों को यूज करने में तो एक्सपर्ट है। तो जी सिक्वेरियम बीच पे भी हम लोग आ चुके हैं और सिक्वेरियम बीच कंडोलिम के जस्ट कनेक्टेड ही है और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। शाम के करीब बज चुके हैं 6:30 और सारे ही लोग अपने बीचेस पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बीचेस के जस्ट पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है और यहाँ पे बाहर और रेस्टोरेंट पे शाम को बीच के पास पीने का लोगों को अलग ही मज़ा आता है और यही मज़ा लोग लूटते हुए, कुछ लोग यहाँ पे वर्कआउट वगैरह भी करते हुए और शाम को बस यहाँ पे गोवा के लोग शाम अपनी ऐसे एंजॉय करते हैं और हमने भी पूरा दिन ऐसे एंजॉय किया और शाम को बस यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होने आ चुके।
चुके हैं और बस अभी अंधेरा होने की तैयारी है, इसलिए आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों इस खूबसूरत बीच के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, और गोवा की सीरीज़ हमारी कैसी लगी आपको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू।